नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज देखिए, कल हमने ये बीए प्रथम वर्ष का बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न, तो बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा की कि विविध विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को जो नाम दिया था, उस नामों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आदिकाल से संबंधित जानकारी ही प्राप्त करेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात करेंगे प्रथम कवि कि भाई हिंदी साहित्य का जब आरंभ हुआ, जिस युग से आरंभ होता है, तो वहां पर प्रथम कवि कौन था, किसे माना गया है और प्रथम रचना कौन सी थी, तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखें, आदिकाल का हम पढ़ चुके हैं, समय क्या है, संवत 1050 से 1375 तक का जो समय है वो किसमें था, आदिकाल में। सन के रूप में बात करें तो हो जाता है अपना 993, सन 993 से 1318, ये संवत, संवत अपना कहां से शुरू होता है, 57 ईस्वी से, ठीक है। तो जब हम संवत को सन बनाते हैं तो क्या घटा देते हैं, संवत में से 57 घटा देते हैं, 57 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा, ईस्वी बन जाएगी। तो सन के रूप में बात करें तो 993 से 1318 तक का जो समय है उसे हम आदिकालीन साहित्य के रूप में जानते हैं, आदिकाल के रूप में जानते हैं। बात करते हैं प्रथम कवि की, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आलोचकों ने, इतिहासकारों ने प्रवृत्तियों के आधार पर, रचनाओं के आधार पर अलग अलग कवियों का निर्धारण किया है। इसी दृष्टि में देखें तो शिव सिंह सरोज इतिहासकार रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन किया है। इन्होंने पुष्यदंत हो या पुष्पदंत हो, पुण्य पुष्य पुण्य, तो इन्होंने शिव सिंह सरोज ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है कि भाई जो सरोज जी हैं, इन्होंने कौन से किसको माना है, पुष्यदंत को, ठीक है। लेकिन इनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यह निश्चित नहीं हो पाता है कि इस प्रकार की रचनाएं इससे पहले नहीं लिखी गई है, इसलिए सर्वमान्य रूप से इन्हें प्रथम कवि नहीं माना गया। लेकिन किसने माना है, शिव सिंह सरोज। इसी प्रकार अन्य इतिहासकार हैं गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने जैन आचार्य हैं सारिभद्र सूरी, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन वही स्थिति है कि जिस प्रकार की इन्होंने जिस प्रवृत्ति, जिन रचनाओं के आधार पर प्रथम कवि माना है, उससे पहले वो रचनाएं हो चुकी हैं, उस प्रकार की शैली का प्रयोग हो चुका है, इसलिए सर्वमान्य रूप से इन्हें प्रथम कवि नहीं माना गया। तीसरा देखें, रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात इतिहासकार रहे हैं, आलोचक कथाकार रहे हैं, इन्होंने पृथ्वीराज वासु का के जो लेखक हैं, पृथ्वीराज वासु की जो रचना की है वो किसने की है, चंद्रवर दाई ने। तो पृथ्वीराज वासु के लेखक रचनाकार चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। लेकिन स्थिति वही आकर ठहरती है कि ये भी हिंदी के प्रथम कवि नहीं ठहरते, इनको नहीं माना जा सकता, क्योंकि रचनाओं के आधार पर इनसे पूर्व प्रवृत्तियां आरंभ हो चुकी थी। अब आती है, अब आता है नंबर अपना पंडित राहुल सांप्रत्यायन का, और इन्होंने सरहपा, एक सिद्ध साहित्य के कवि हैं सरहपा, जिनका जो 7वीं सदी में जिनके साहित्य की रचना मिलती है, जिनका जन्म वर्ष है, जन्म सदी है, तो 7वीं सदी में उत्पन्न हुए सरहपा को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना।
विद्वानों ने अपने शोध में अपनी खोज में यह पता लगाया कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचना है या इनकी जो पंक्तियां हैं, इनकी जो काव्य रचना है वह हिंदी के आरंभिक रूप की रचना है और उससे पहले ऐसी प्रवृत्ति बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए सभी विद्वानों ने सर्वमान्य रूप से सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कौन सी सदी में है? सातवीं सदी में है। तो इस प्रकार से हम जब देखें तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो कौन है? सरहप्पा है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अनुसार उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उनके अनुसार भी हमें कवियों को याद रखना है। तो देखें आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रथम कवि के बारे में सबसे सरोज ने किसको माना है? अक्षयग्रंथ को। गणपति चंद्रगुप्त ने, सार्यवर्त सूरी को, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है चंद्रवर दाई को और राहुल सांध्य ने माना है सरहप्पा को। सिद्ध साहित्य के कवि है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के सर्वमान्य रूप से माने जाने वाले प्रथम कवि हैं सर। अब यही बात होती है प्रथम रचना की, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है कौन सी। विद्वानों में इसमें विवाद रहा, लेकिन जिस रचना को सभी ने सहमति प्रदान की, जिसमें हिंदी के आरंभिक प्रवृत्तियों का परिचय हमें मिलता है, तो वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार रचना है और किसने लिखी है? देवसेन ने लिखी है। तो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। इसके द्वारा लिखी हुई है? देवसेन के द्वारा लिखी हुई है। यह इसमें जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित इसमें रचना का रचना लिखी गई है और जैन धर्म का ही इसमें प्रचार प्रसार का वर्णन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार। किसने लिखी है? देवसेन ने। प्रथम कवि कौन सा हो गया? सरहप्पा हो गया। तो आज हम दो चीज देखी हमने, हिंदी का प्रथम कवि देखा हमने रवि विद्वान के अनुसार, सर्वमान्य कौन से हो गए अपने सरहप्पा, प्रथम रचना कौन से हो गए श्रावका चार देवसेन के द्वारा। देखिए ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ये विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम केवल बड़े ही संक्षिप्त रूप में और अपना जो अपने पाठ्यक्रम में दिया गया है पाठ्यक्रम के अनुसार ही उन्हीं पाठ को उसी अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखें तो आज हमने प्रथम कवि के रूप में का अध्ययन किया है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं आदिकालीन साहित्य का विभाजन, आदिकाल को कितने प्रकार के साहित्य में विभाजित किया गया है, आदिकाल में किस किस प्रकार की रचनाएं हुई हैं, उसके आधार पर हमें उनकी प्रवृत्तियों को समझने में जानने में आसानी होगी। देखें इसको मिटाने के साथ ही इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। आदिकाल में प्रसिद्ध साहित्य था उसको कैसे विभाजित करेंगे, कौन कौन सा साहित्य हमें देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखें तो देखिए सबसे पहला साहित्य हमारा अपभ्रंश, और अपभ्रंश में कौन कौन से हैं देखिए। अपभ्रंश में जो साहित्य शामिल किए गए हैं वो है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। ये अपभ्रंश से प्रभावित साहित्य थे। अपभ्रंश के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार का हमें जो साहित्य मिलता है आदिकाल में वो है रास साहित्य, आगे हमें मिलता है लौकिक साहित्य और फिर मिलता है गद्य साहित्य। तो हम देखें तो आदिकाल में
इन साहित्यों के इन प्रवृत्तियों का हमें परिचय प्राप्त होता है। सबसे पहले कौन सा साहित्य है? अभ्रंश प्रवाह साहित्य है, जिसमें तीन साहित्य आते हैं, सिद्ध साहित्य आता है जैन और नाम। आगे देखें तो फिर आता है अपना रासु साहित्य, फिर आता अपना लौकिक साहित्य और फिर आता अपना गद्य साहित्य। तत्कालीन समय में प्रचलित गद्य साहित्य का हम इसमें परिचय देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अभ्रंश साहित्य क्या है। देखिए अभ्रंश साहित्य क्या था, जब हिंदी का उद्भव हुआ, उद्भव मतलब हिंदी का विकास होना आरंभ हुआ, तो हिंदी से जो पूर्ववर्ती जो भाषा थी, हिंदी से पहले प्रचलित पूर्ववर्ती जो भाषा थी उसे कहा जाता था अपभ्रंश। अर्थात अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, विकृत, भटका हुआ रूप। तो हिंदी से पूर्व प्रचलित जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश, अर्थात भाषा का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप। इस अपभ्रंश भाषा में तत्कालीन जो कवि थे, तत्कालीन जो रचनाकार थे, कवि थे, वो जनमानस की भावनाओं के अनुसार, आम जन की भावनाओं के अनुसार, क्योंकि जिससे कि वो उसे अच्छे ढंग से समझ पाए, उनकी कविताओं को, उनका कविताओं का अर्थ ग्रहण कर पाए, इसलिए तत्कालीन समय में किस रचना करते थे? अपभ्रंश रचना करते थे। एक तरह से इसे आप लोकल लैंग्वेज कह सकते हो, लोकल भाषा अपनी। इसलिए तत्कालीन समय में कौन से साहित्य का प्रयोग किया गया? अभ्रंश साहित्य का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मतलब साहित्य मिलता है अधिकार में, अभ्रंश साहित्य मिलता है, फिर मिलता है रासु साहित्य, लौकिक साहित्य और फिर है गद्य साहित्य। तो आज हम चर्चा करेंगे, देखिए अभ्रंश में कौन कौन सा साहित्य है? सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य। अभी हम पढ़ चुके हैं प्रथम जो कवि थे सर्वपा, वो कौन से संप्रदाय में से थे? सिद्ध संप्रदाय के कवि थे। तो अभ्रंश प्रवाह रचनाओं में पहला साहित्य पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, दूसरा पढ़ेंगे जैन और तीसरा पढ़ेंगे नाथ साहित्य। इनके बारे में हम सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि देखिए सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्ध साहित्य का लेखन किया गया, सिद्ध थे और इनकी जो संख्या थी वो थी 84। सामान्य देखते हैं, इसके विस्तार में हम आगे देखते हैं। सिद्ध साहित्य संख्या थी 84। फिर आता है जैन साहित्य, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी साहित्य में जो काव्य लिखा गया वो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। और फिर आता है अपना नाथ साहित्य, नाथ साहित्य में क्या आता है? सिद्धों की भोग प्रधान वाम मार्गी जो इनकी प्रवृत्ति आती इसके विरोध में, कि भाई ये सिद्ध जो थे वो बड़े ही उनकी जो रचना है, उनकी जो प्रवृत्तियां थी, उनकी जो कार्यशैली थी थोड़ी क्या थी? अलग थी, सामान्य व्यक्तियों से थोड़ी सी अलग थी। उस प्रवृत्ति के विरोध में जो साहित्य आया ये भी बहुत धर्म से संबंधित है, तो वो क्या कहलाया? नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में नाम कितने हैं? 9 नाम। फिर आता है अपना रासु साहित्य, ये हिंदी साहित्य की बड़ी ही अमूल्य लिपि के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो रासु साहित्य का भी की भी परंपरा बहुत बड़ी है, विस्तार से हमारे वीडियो में इसको पढ़ेंगे एक एक करके। फिर आता अपना लौकिक साहित्य है, क्षेत्रीय साहित्य, आम जन के लिए क्षेत्रीय भाषा में बनाए, क्षेत्रीय कहानियों को लेकर, क्षेत्रीय वर्णन को लेकर जो साहित्य बनाया गया आता है अपना लौकिक साहित्य में। और इस समय प्रचलित गद्य की रचनाओं के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करें। तो आज हमने पढ़ा प्रथम रचना, प्रथम कवि और आदिकालिक साहित्य का विभाजन। इतने प्रकार से अभ्रंश प्रवाह रचनाएं हैं, रासु साहित्य है, लौकिक है और गद्य है, और इनके बारे में एक एक पॉइंट लेते हुए इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे।